Hello guys, good morning. Good morning. How are you all? We are fine, thank you. And you? I'm also fine. Today we learn how to ask question about ourselves. हम आज पूछेंगे क्वेश्चन, आज हम सीखेंगे कि अपने बारे में क्वेश्चन कैसे करें. हम सबसे पहले अपने बारे में क्वेश्चन करना सीखें. तो जो अपनी यूनिट शुरू हुई है पोजीशन जो यूनिट स्टार्ट हुई है उसमें सबसे पहले अपने शुरू करते हैं पोजीशन बताने किसकी, पर्सन की. और बताएं पर्सन कितने प्रकार के होते हैं पूरे वर्ल्ड में, संसार में तीन ही पर्सन होते हैं. एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो बोलने वाला क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? सुनने वाला, सेकंड पर्सन. बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और इसके अलावा दुनिया में जितने बच्चे क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट पर्सन से. फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला. तो सबसे पहले बोलने वाला मतलब मैं. तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई. तो सबसे पहले अपन आई की पोजीशन बताए अपन ने, कि जैसे बोलना है कि मैं छात्र हूँ, कैसे बोलोगे? आई एम अ स्टूडेंट. मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट. मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट. मैं सिवनी में हूँ, आई एम इन सिवनी. और मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल. तो ये अपने आई की पोजीशन बताना सीखे थे. अब आज अपन क्वेश्चन सीखेंगे आई के बारे में ही पूछना. पहले हम अपने बारे में पूछे, फिर दुनिया के बारे में बाद में. तो कैसे पूछेंगे? हाउ टू आस्क. तो लुक एट हियर, यहां देखें ध्यान से. तो पूछना है क्या मैं, क्या से क्वेश्चन करना है आपको. क्या मैं तो स्टार्टिंग करेंगे एम आई. क्वेश्चन क्या चालू होगा? एम आई. क्या मैं एम आई. क्या मैं शाय, यानी होता है शर्मिला. एम आई शाय इन दिस क्लास. क्या मैं शर्मिला हूँ इस क्लास में. अब जो पूछना है हल्के पूछ लो आप. क्या मैं सही हूँ, क्या पूछोगे आप? एम आई. आई एम से क्वेश्चन नहीं होगा. आई एम से क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखो आप. आई एम से क्वेश्चन नहीं होगा बिल्कुल. अगर करेक्ट इंग्लिश बोलना है तो एम आई से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको. क्या मैं सही हूँ, क्या पूछोगे? Am I right? क्या मैं गलत हूँ? Am I wrong? क्या मैं ईमानदार हूँ? Am I honest? ठीक है. तो जो भी हो, तो सामने जो बोल दे आपको, हाँ यस यू आर शाय, हाँ तुम शर्मीले हो. नो यू आर नॉट शाय, तुम शर्मीले नहीं हो. अब किसी थर्ड पर्सन से पकड़ के पूछोगे आप, जिसको आप नहीं जानते, तो फिर वो बोलेगा सॉरी यार, सॉरी भैया, आई डोंट नो अबाउट यू. माफ करना, मैं आपके बारे में नहीं जानता. बिकॉज, क्योंकि यू आर स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर होता है अजनबी, अजनबी, अनजान, न्यू. यू आर स्ट्रेंजर फॉर मी. तो मेरे लिए अजनबी हो, अनजान हो. चलिए, अब अपने बारे में कुछ क्वालिटी में आपको डाउट हो कि यार मैं ऐसा हूँ क्या वैसा हूँ, तो आप अपने भाई बहन से, दोस्तों से पूछ सकते हो ये क्वेश्चन. हाउ एम आई. मैं कैसा हूँ यार, मैं कैसा हूँ. और एक अच्छी क्वालिटी और एक बुरी क्वालिटी जिसमें आपको डाउट हो, कि हाउ एम आई ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट. मैं कैसा हूँ, ईमानदार या बेईमान. हाउ एम आई ट्रूथफुल और लायर. मैं कैसा हूँ, सच्चा या झूठा. हाउ एम आई हार्ड वर्किंग और लेजी. मैं कैसा हूँ, मेहनती और आलसी. जो भी दो क्वालिटी हो अच्छी बुरी, उसमें आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. फिर जो आंसर देते सामने वाला, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो. नॉट डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं. यू आर बोथ. बोथ यानी क्या होता है? दोनों. बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों. तुम दोनों हो और तुम दोनों नहीं हो. यू आर नॉट बोथ, तुम दोनों नहीं हो. ठीक है. अब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे घर मान लो अपने घर में, या कोई भी कहीं पर भी कोई आपसे छोटा है, या चाहे आपसे रिश्ते में छोटा है, या आपसे रैंक में छोटा है, या कोई आपसे पोस्ट में छोटा है, वो आपसे थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो एकदम उसको कुछ ना बोलते उससे क्वेश्चन कर लो कि भैया हु एम आई. मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. अपने बारे में पूछा, क्या पूछोगे? हु एम आई. मैं कौन हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बड़े बहन हूँ, बड़ा हूँ, अधिकारी, जो भी. हु एम आई, कौन हूँ मैं कौन हूँ. सामने पूछा कौन, बताएगा फिर आपको वो. यू आर, चाहे तो आपको नेम बता दे, यहाँ पे वो नेम बता देंगे. यू आर या नहीं बता, आई डोंट नो. ठीक है. और एक कंडीशन ऑफ इंसान की याददाश्त हो जाती है, तब पूछेगा हु एम आई, मैं कौन हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. ठीक. What am I? What am I? What am I means हो रहा है मैं क्या हूँ. जैसे मान लो उल्टा कोई मरीज पहुंच गया डॉक्टर के पास, और उल्टा डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब ये गोली दे दो, ये इंजेक्शन लगा दो, ये बॉटल दे दो. तो डॉक्टर बोलेगा भैया मैं क्या हूँ यार, मैं क्या हूँ. तो इंग्लिश पूछे भैया what am I, मैं क्या हूँ. तो ये मतलब बोलना I don't know, मुझे नहीं मालूम तुम क्या हो. ठीक है. What am I, मैं क्या हूँ. तो यू आर अ डॉक्टर बोलना, यू आर अ डॉक्टर. यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं. यू आर अ टीचर. ठीक है. अब कहीं गए आप, कहीं फंस गए, अब पूछ रहे मैं कहाँ हूँ, या अभी मैं कहाँ हूँ अंकल भैया, तो बोलना वेयर एम आई. वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ. वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ.
वेयर एम आई, मैं कहां हूं? तो यू आर इन स्यूनी, तुम अभी स्यूनी में हो। यू आर इन क्लास, यू आर इन इंडिया, तुम अभी इंडिया में हो, स्यूनी में हो, एमपी में हो, क्लास में हो। पढ़ने वालों को क्या बोलेंगे आप? आई डोंट नो। अब कोई आपसे अचानक बातचीत शुरू कर दिया एकदम, तो आपने पूछा उससे कि यार क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? डू यू नो, नो यानी क्या होता है? जानना। नो मीन्स क्या होता है? जानना। डू यू नो अबाउट मी, डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम जानते हो मेरे बारे में? डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम जानते हो मेरे बारे में? तो हाँ जानता हूँ, यस आई नो अबाउट यू, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। नो आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। अब पूछना है क्या जानते हो, तो मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या पूछोगे आप? What do you know about me? What do you know about me? जैसे किसी पूछा है तो मेरे बारे में जानते क्या हो, इसीलिए पूछना है इंग्लिश में, तो ये पूछा करो What do you know about me? अब जो जानते होता है वो ये कि यू आर जो भी रवि, सुनीता, संगीता, तुम रवि हो। यू आर माई बैचमेट, तुम मेरे बैचमेट हो। अब इंग्लिश कोचिंग बैचमेट हो। यू आर ऑनेस्ट, ईमानदार हो। भाई सब जितनी इंग्लिश आती बोलो आप, और नहीं आती तो एकदम नहीं पीछे होकर ये बोलो आई नो ओनली दिस मच, आई नो ओनली दिस मच, मतलब बस मैं इतना ही जानता हूँ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। आई नो ओनली दिस मच अबाउट यू, बस। तो इन तरीके से अपन क्वेश्चन शुरुआत हो गई अपनी ये, फिर आगे अपन और टेंस सीखेंगे, मॉडल सीखो, इंग्लिश सीखते आओ लगाते आओ। अभी हम सिर्फ पोजिशन में इंग्लिश स्टार्ट करना सीख रहे हैं, मतलब अभी हम सिर्फ इंग्लिश में भी खड़ा होना सीख रहे हैं, फिर हम चलेंगे और फिर दौड़ेंगे। जब दौड़ोगे आप तो ऑटोमेटिक उसके लिए पहले खड़े होना सीखना चाहिए, तो हम पैर जमाएंगे तभी तो दौड़ पाएंगे। तो ये हम इंग्लिश में पैर जमा रहे हैं पोजीशन से, तो बन जाएगा। सर यू डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।